कोलकाता के आर्जीगर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। वहीं आर्जीगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीयाता पॉल को हटा दिया गया। इसके अलावा एमएसवीपी बुलबुल मुखर्जी और इसके अलावा चेस्ट मेडिसिन प्रमुख अरुण दत्ता चौधरी को भी हटाया गया। कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य भवन का घेराव करेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस प्रदर्शन में होंगे शामिल। कोलकाता की घटना को लेकर आज राज्य सरकार के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और राज्य सरकार के कर्मचारियों का विरोध मार्च आज दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और नव महाकरण में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता की घटना के खिलाफ और इंसाफ की मांग को लेकर के आज कोलकाता प्रेस क्लब में शाम 5 बजे प्रदर्शन होगा। कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में निकाला गया कैंडल मार्च और बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर, उत्तराखंड में नर्स के साथ जो घटना हुई थी उसको लेकर के नाराजगी जाहिर की गई। अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपी मोहित खान के एक और अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज एक्शन की तैयारी। हथौड़े के साथ 50 से ज्यादा मजदूर भी संभालेंगे मोर्चा। इसके अलावा वाराणसी के ज्ञानवापी में वजूखाने की एसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी और 14 अगस्त को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता के बीमार होने पर नहीं हो पाई थी सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी आज दाखिल करेगी अपना जवाब। आंध्र प्रदेश के कड़पा में करंट की चपेट में आए 2 बच्चे, एक की मौके पर हुई मौत, दूसरी की हालत गंभीर। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, मौके पर 3 लोग घायल हो गए और पूरी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। मिर्जापुर में झरने में तेज बहाव में बहे 6 सैलानी, 5 सैलानियों को सुरक्षित बचाया गया, एक की मौत, एसडीआरएफ की मदद से शव को बरामद किया गया। बदायूं में दलित संगठनों के धरना प्रदर्शन के दौरान सिविल ड्रेस में सिपाही की पिटाई की गई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुठभेड़ के दौरान एक दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार, गोलीबारी के दौरान पैर में लगी गोली, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। बदायूं में दलित संगठनों के धरना प्रदर्शन के दौरान सिविल ड्रेस में सिपाही की पिटाई की गई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के देवरिया में पुलिस अधीक्षक की वजह से टला बवाल, सिंगमन भीड़ के बीच कूदे एसपी, प्रदर्शनकारियों को दौड़ाने का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की पत्नी की पिटाई की गई, परिवारवाद विवाद में पिटाई की गई, बहस बहुत ज्यादा हो गई थी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के जनसेवा केंद्र संचालक से लूटपाट हुई है, लूट के दौरान बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, 8 लाख रुपए बाइक लूट करके बदमाश हुए फरार। एमपी के नर्मदापुरम में ट्रक में लग गई आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बस स्टैंड के पास बीड़ी जलाकर सड़क पर फेंकी माचिस की तीली से लगी आग, आग की चपेट में आने से कई दुकानें जल गई, आनन फानन में आग पर काबू पाया गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले की एक फार्मा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 17 लोगों की जान चली गई, 3 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए हैं, फिलहाल आग किन कारणों की वजह से लगी ये नहीं पता। बलिया में गंगा और घाघरा नदी ने खतरे बिंदु को पार कर लिया है, घाघरा नदी के जल स्तर बढ़ने के बाद आधा दर्जन गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, जल स्तर बढ़ने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। ईरान के इवाज में बिगड़े हालात, तेज बारिश की वजह से बाढ़ का कहर, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। जापान के टोक्यो में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बारिश की वजह से सबवे में भरा पानी, मेट्रो की सीढ़ियां झरने में दबती। उधर जापान की शिनागावा में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, ट्रेन के ऊपर से झरने की तरह बारिश हो रही है, यात्री परेशान हो गए। भारी बारिश की वजह से टोक्यो के शिंजुकू स्टेशन के बाहर मेन होल हुआ ओवरफ्लो, स्टेशन के बाहर पानी भरने से लोग परेशान। दक्षिणी कैरोलिना में बाढ़ और तूफानी डेवी से तबाही मच गई, पानी में डूबे नजर आए कई लोगों के घर और एक तरफ तो पानी का बहुत ज्यादा सैलाब भी देखा गया। सऊदी अरब में बाढ़ का कहर, पानी में फंसी कई कारें, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रूस और यूक्रेन के बीच तेज हुए हमले और रूस से यूक्रेनी सेना पर रॉकेट अटैक किया, हमले की भयानक और घातक तस्वीरें भी सामने आई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल का हमला, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक, आईडीएफ डिफेंस फोर्स ने जारी किया हमले का वीडियो। इराक के कर्बला में इराकी सेना और ईरानी समर्थित पीएमएफ के बीच भारी गोलीबारी हो गई, दोनों पक्षों ने छोटे हथियारों और मशीन गनों का भी इस्तेमाल किया। जो पर्पेट्रेटर्स हैं उनको बचाने में लगे हैं। पनिश, वी वांट जस्टिस।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कोलकाता केस की करेंगे, जहां पर आज रिपोर्ट सौंपने वाली है सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कल सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट की बात कही थी और अब तक हुई जांच की जानकारी आज सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, स्टेटस रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी सीबीआई। ये बड़ी जानकारी क्योंकि कल जब सुनवाई हुई थी तो बहुत सारे अहम सवाल थे जिनका जवाब भी मांगा गया और ये भी पूछा गया कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है। तो इसको लेकर सीबीआई आज स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उस पर अब कोर्ट की भी पैनी निगाहें हैं। कोर्ट ने इंटरवीन भी किया है स्वतः संज्ञान लेते हुए, ऐसे में अब आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सौंपने वाली है। कोलकाता के आजकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के सिलसिले में आज सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने वाली है, जिससे लेकर के ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस केस से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने की उम्मीद है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। कोलकाता कांड का आज होगा पर्दाफाश। सीबीआई आज दरिंदों के चेहरे से उतारेगी नकाब। दरिंदा एक या कई, पर्दे के पीछे कई किरदार। सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। कोलकाता कांड से जुड़े सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से हुए बलात्कार और हत्या के केस में अब तक हुई जांच रिपोर्ट से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब दे सकती है, जो इस जघन्य रेप हत्याकांड से जुड़े तमाम आरोपियों के चेहरे से नकाब हटा देगी। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में जिन सवालों का जवाब दे सकती है उनमें सबसे अहम सवाल होंगे, मसलन आरजिकर रेप मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची? अब तक इस केस में कितने किरदारों के बयान दर्ज किए गए? आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया? सीएफएसएल की फॉरेंसिक जांच का निष्कर्ष क्या निकला है? आरोपी के बयान और रिक्रिएशन के मिलान से क्या हासिल हुआ? रेप हत्याकांड में आरोपी संजय रॉय अकेला था या और भी किरदार शामिल थे? आरजिकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इस केस में क्या रोल है? कोलकाता पुलिस की जांच में क्या और कहां कहां खामी पाई गई? केस में कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों? क्या एएसआई अरुण दत्ता जैसे किरदारों की भी कोई प्रत्यक्ष भूमिका है? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही सीबीआई से इस केस का स्टेटस रिपोर्ट 22 अगस्त को जमा करने का आदेश दिया था, जिसे तैयार करने में सीबीआई की एक टीम पूरी रात लगी रही। वहीं इसके अलावा आज पश्चिम बंगाल सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना होगा कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में 14 अगस्त की रात आरजिकर अस्पताल में हजारों की भीड़ घुस गई और बेकाबू भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए इस केस से जुड़े तमाम सबूतों को नष्ट कर दिया। जाहिर है अगर सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब दे दिए तो उन सारे गुनहगारों के चेहरे से नकाब उठना तय है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए पूरा देश बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट।